कहूँ दादी सा, थारी बिंदड़ी माँ बनने वाली है सच्ची। दादी सा के कान में जब चुपके से कुछ कहा तो हमें भी यही लगा मानो आनंदी दादी सा को अपनी गुड न्यूज सुना रही है। लेकिन अगर सच में ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। बस यही बोलना चाहूंगी कि जल्दी वो बहुत ज्यादा खुश हैं और जल्दी से अब जैसे मेरे पास मेरा लल्ला है उनके पास भी कोई अपना लल्ला हो। आनंदी की विदाई ऐसे हो रही है जैसे शादी के बाद मायके से बेटी की विदाई होती है। जैसे जैसे दादी सा की हवेली से दूर हो रहे हैं वैसे वैसे सबकी आंखों में आंसू बढ़ते जा रहे हैं। जिस गाड़ी से आनंदी को उदयपुर जा रहा है उसे भी आज दुल्हन की तरह सजाया गया है। सारा जयसर अपनी रानी को छोटी भर भर के दुआ दे रहा है। मगर आनंदी करे भी क्या, उसे पता है कि लड़की का असली संसार उसका सासरा ही होता है। आनंदी शिव के साथ उदयपुर के लिए रवाना हो गई है मगर घर वाले आनंदी से कुछ कहना चाहते हैं। आनंदी तुम सबसे ज्यादा खुश हमारे साथ ही रहोगी तो छोड़ो उदयपुर और वापस जयसर आ जाओ। हम लोग तुम्हें बहुत मिस करते हैं एंड आई एम श्योर तुम भी हमें बहुत मिस करोगी एंड एज इट इज जो मजा यहाँ बड़ी हवेली में गई। मैं यही कहूँगा कि रास्ते में बदल मत, जैसी तुम हो वैसी रहना, जैसी जयसर से जा रही हो बिल्कुल वैसी रहना, रास्ते में बदल मत। उदयपुर बहुत बड़ा है जयसर से तो प्लीज उसको छोटी तौर पर मत लेना और ज्यादा अपनी समझ का इस्तेमाल मत करना, बस हंसती रहना खुशी रहना और साथी को बीच बना कर रखना। वो बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी है। उदयपुर जाने के बाद सीट पे भले ही आनंदी और गंगा की मुलाकात रोज रोज ना हो मगर गंगा को यकीन है कि मेकअप रूम में आनंदी और गंगा यूं ही मिलते रहेंगे। वो जयसर को छोड़कर जा रही है लेकिन जयसर के मेकअप रूम में हमेशा आती है क्योंकि मैं उनके साथ बैठी हूँ जयसर के मेकअप रूम में, तो कभी मैं उदयपुर के मेकअप रूम में चली जाऊंगी कभी वो जयसर के मेकअप रूम में चली जाएंगी। तो मुझे लगता है कि जो रिश्ता हमारा शहरों से कट रहा है वो मेकअप रूम से नहीं कटना चाहिए। जगिया का दिल भी बहुत बड़ा हो गया, जरा सुनिए तो क्या कह रहे हैं जनाब। तुम किसी को याद रखो या ना रखो मुझे हमेशा याद रखना और कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो हालांकि मेरे पास है नहीं कुछ देने के लिए लेकिन फिर भी मुंबई आज तक।